माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माता के नाम पर खिसावे गांव में एक प्राथमिक केंद्र खोला गया, जो कि पूर्व बटियानी विधायक बोगो सिंह जी के द्वारा दान दिए हुए ज़मीन पर यहां पर स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन आज प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा यहां पर किया गया। और मौके पर उनके भाई यानी कि विधायक जी के भाई मौजूद थे, जो कि मुखिया हैं खिसावे पंचायत के, और उनके साथ, और यहां देख सकते हैं स्टेज पर कई लोग थे। और इस अस्पताल का नाम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माता के नाम पर ये अस्पताल का नाम रखा गया। और कई सालों से इस अस्पताल को लेकर, उद्घाटन को लेकर रुकी हुई थी, लेकिन अब जो है ये ग्रामीणों के लिए खुल चुका है। हालाँकि देखा जाएगा कि किस तरह से ये अस्पताल खुलने के बाद चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि अक्सर अस्पतालों का शिलान्यास होता है लेकिन चरमवत उसे चला नहीं पाते हैं। लेकिन जिस तरह से हाल ही के दिनों में करीबन एक दो साल से दूरियां, जो राजनीतिक दूरियां, जो जेडीयू से माननीय विधायक बोगो सिंह जो पूर्व विधायक हैं, उनकी दूरियाँ जेडीयू से देखने को मिली, कहीं ना कहीं ये अस्पताल जो नीतीश कुमार जी के माता के नाम पर खुला है, अब ये दूरियां जो है नज़दीकियों में बदल जाएगी, क्योंकि ये अस्पताल का शिलान्यास हो गया है और उद्घाटन हो गया है, माफ़ी चाहते हैं, और उद्घाटन भी किया तो राकेश सिन्हा जी के द्वारा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन कहा ये जा सकता है कि अगर शिलान्यास ही करवाना था तो किसी जदयू या फिर महागठबंधन के नेता से करवाना चाहिए था, लेकिन हाल ही में एक अस्पताल जो कि नया गांव में सरकारी अस्पताल था, जो कि मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह की पत्नी के नाम पर वो अस्पताल खुला था, लेकिन उसका उद्घाटन माननीय और अभी के जो वर्तमान के विधायक हैं राजकुमार सिंह के द्वारा यहां पर उद्घाटन कर एक कंट्रोवर्सी वहां पर उत्पन्न हुई थी। मुझे लगता है कि उस कंट्रोवर्सी को भूलते हुए यहाँ पर इस बार राकेश सिन्हा जी को मौका मिला यहाँ पर उद्घाटन करने का, और मुझे लगता है एक नई राजनीति अब यहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में जिस पार्टी के से दूरियाँ बनाकर रखते थे माननीय विधायक बोगो सिंह जी, लेकिन अब जो है वो नज़दीक कियाँ कैसे आगे बढ़ेगी ये देखने को मिलेगा। तो चलिए, क्या सब कहते हैं राकेश सिन्हा जी, सुनते हैं उनकी पूरी बात। ऐतिहासिक अवसर है बेगूसराय ज़िले के लिए, ये गांव में एक ऐसे अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है जिस अस्पताल में मरीजों की सुविधा किसी भी बड़े अस्पताल से कम नहीं होगी। इसका जो क्षेत्रफल है यही बताता है कि जो इस अस्पताल के लिए दृष्टि है वो दृष्टि आम लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो बड़े अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं, गांव से शहर जाना पड़ता है। इसलिए मैं गोपाल जी को, उनके दोनों भाइयों को मैं साधुवाद देता हूं कि इन्होंने एक महंगी ज़मीन देकर अस्पताल की स्थापना की है, और मैं गांव के लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्हें एक अस्पताल दिया है।